वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों को लेटर शेडिंग कैसे किया जाता है और लेटर को कैसे निखार कर डेकोरेट करें, ये मैं आप सबों को आज बताने जा रहा हूं कि लेटर को निखार डेकोरेट कर कैसे करें कि अच्छा लगे। हम कहीं भी किसी भी त्यौहार में या पार्टी में, समारोह में या फिर स्कूल प्रोजेक्ट में, अन्य जगहों पर हम जाते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ जाता है या फिर किसी भी लेटर को सजाने की ज़रूरत पड़ती है तो दिक्कतें होती है। हम उसी चीज़ को बताने जा रहे हैं कि कैसे खूबसूरती से लेटर स्केच डिजाइनिंग करके निखारे और लेटर को कैसे शेडिंग करें कि सबको अच्छा लगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक दो लाइन खींच दिया है और इसमें एक स्वास्तिक का चिन्ह मैं आपको बनाने जा रहा हूँ और स्वास्तिक को, जो स्वास्तिक लेटर है, मैं वो लिख रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे शेडिंग किया जा सकता है या किस तरह से इसको निखारा जा सकता है कि एक सिंपल लेटर को, एक जो साधारण सा लेटर होता है, उसको कैसे हम डेकोरेट करके सुंदर बना सकते हैं। एक ये एग्जांपल है एक स्वास्तिक का लेटर जो मैंने बताया है, बता रहा हूँ कि ऐसे किसी भी लेटर को या किसी भी समारोह का कोई भी प्रोजेक्ट हो या किसी तरह से सजाना हो या किसी तरीका से कोई भी लेटर को लिखना हो, बनाना हो या फिर पेंटिंग करना हो, तो उन सबको पहले स्केचिंग, कोई भी चीज़ बेसिक पहले किया जाता है। बेसिक अगर हमारा सही होगा तो हम आगे भी डेकोरेट अच्छी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो पेंसिल से करें या फिर पेंट से। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये पहले भी बता रहा हूँ कि कैसे हम पेंसिल से बेसिक लेटर को हम कंप्लीट करें। तो ये हमने लेटर कंप्लीट कर लिया और इसके बाद ये शेडिंग का, जो ये हम लाइन खींच रहे हैं वो शेडिंग का है और इस तरह से हम स्केच शेडिंग कर सकते हैं किसी भी लेटर में। हमने एक स्वास्तिक का शुभारंभ किया है जो कि भगवान के नाम से शुरू होता है, मैंने वो दिखलाया है। तो इसी प्रकार किसी भी लेटर को, कोई भी सब्जेक्ट हो या कितना बड़ा ही क्यों ना लेटर हो या छोटा लेटर हो, किसी तरह से तरीका से हो, तो हम किसी भी समारोह में, किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरह से लेटर लिख सकते हैं और अगर खूबसूरत बनाना हो तो हम इस तरह से उसको शेडिंग करके खूबसूरत भी बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको शेडिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने लेटर बना लिया, एक लेटर स्वास्तिक का हमने दे दिया, अब उसके बाद अब ये शेडिंग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी लाइन दिया है लेटर के साइड से, ये शेडिंग है और ये शेडिंग कितना अच्छा लग रहा है। अभी से ही लग रहा है कि ये लेटर जो है खड़ा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये लेटर पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। तो अब इसको निखार देना है, कलरफुल बनाना है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट से ही, पेंसिल से ही कलरफुल बनाएंगे कि लगे कि हाँ ये कुछ लेटर में जान है। लेटर को यूँ कहा जाता है ना कि ठोक दिया जाता है लेटर को, मैं ठोक रहा हूँ और एकदम खड़ा कर दूंगा इसको। ऐसा लगेगा कि जैसे 3D आप पेंटिंग कहते हैं या 3D स्केचिंग कहते हैं, तो 3D के तरह ही ये पेंटिंग कंप्लीट आपको मैं बना करके दिखलाऊंगा, एकदम एक बढ़िया डिजाइनिंग के साथ, शेडिंग के साथ। इसको कहते हैं लेटर शेडिंग, जो शेड अभी एक सिंपल सा लेटर बनाया उसके बाद शेडिंग कर रहा हूँ और शेडिंग करने के बाद ये लेटर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हम सबको ये लेटर बहुत ही, आप भी बना सकते हैं बहुत, जैसे मैं हाथ से सिखा रहा हूँ, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, आप उसी प्रकार से खुद बारीकियों को पकड़ते हुए, मेरे हाथ को देखते हुए कि मैं कैसे सिखा रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बस मेरे बारीकियों को समझें।
तो दोस्तों आपने देखा कैसे मैंने इस पेंटिंग को, कैसे मैंने स्केचिंग को, इस लेटर को, स्वास्तिक चिन्ह को डेकोरेट करके शेडिंग से 3D बना दिया। इसी प्रकार हम किसी भी लेटर को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी चीज़ को, कहीं भी हम किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोजेक्ट में हम इस तरह से सुंदर बना करके एक कलाकार बन सकते हैं, इस तरह से कलाकारी करके उभार सकते हैं और बहुतों का दिल हम जीत सकते हैं। दोस्तों ये एक शेडिंग लेटर पेंटिंग है, स्केचिंग का, हम इसको कलर से भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ स्केचिंग बताया है, इसी प्रकार रंग से भी यानी कलर से भी जिस तरह से हम चाहेंगे कलर पेंटिंग भी कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें हौसला देता है ताकि हम आगे इसी तरह से फिर वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।